आपको लिए चलते हैं सरगोधा। सरगोधा के इलाका भाटावाला के चक नंबर 23 तलब जनूबी में पानी की निकासी न होने के 22 लोगों को मुश्किलात का सामना। मजीद रिपोर्ट जानते हैं अपने नुमाइंदा यूसुफ जरीफ से। जी यूसुफ, तफसील लात से आगा कीजिएगा। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ तहसील सरगोधा के इलाका भाटावाला के चक नंबर 23 तलब जनूबी में। यहाँ पर पानी की निकासी न होने के 22 लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये आपको सामने वीडियो में स्कूल गर्ल्स स्कूल दिखाई दे रहा होगा। ये ग्राउंड इस स्कूल का है, ना कि इसमें बारिश का पानी, बल्कि इसमें गलियों की नालियों का रुख इस ग्राउंड की तरफ हो गया है। और दिन ब दिन पानी बढ़ता जा रहा है और लोगों में बीमारियों का सबब बनता जा रहा है। और दूसरी जानब इसके एक मस्जिद भी बाकिया है जो कि पानी का शिकार होती जा रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस पानी पर जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। और बात की जाए हुकूमत की, हुकूमत के दावे तो धरे के धरे ही रह गए, लेकिन अभी तक कोई तरक्याती काम नहीं किया जा रहा। यहाँ के लोगों का कहना है जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो वोट लेने के लिए MP MLA तो बहुत जल्द आ जाते हैं, और जब बात की जाती है तरक्याती काम की तो सबसे पीछे चले जाते हैं। कैमरामैन राना फारूक के साथ यूसुफ जरीफ, सरगोधा। आपको ले चलते हैं खैरपुर। खैरपुर कोटिजी के सीनियर सहाफी हिम्मत अली तमरानी के भाई सहाफी अली मदद तमरानी पर कातलाना हमला। कातलाना हमला में शरीफ जख्मी, जिनको कोटिजी अस्पताल दाखिल कर दिया गया, तफ्तीशनाक हालत में खैरपुर रेफर कर दिया गया। मजीद रिपोर्ट जानते हैं अपने नुमाइंदा वाहिद अली जामरो से। जी वाहिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, कोटिजी के सीनियर सहाफी हिम्मत अली तुमरानी के भाई सहाफी अली मदद तुमरानी पर कातलाना हमला। हमले में अली मदद तुमरानी शदीद जख्मी, जिसको कोटिजी अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी हालत तश्वीशनाक थी, उसको खैरपुर अस्पताल रेफर किया गया है। और उससे एक बाइक भी छीनी गई है और कुछ और सामान भी है। वहीद अली जामड़ो, वजीराबाद TV, बैरो चीफ। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिएगा वजीराबाद TV, वजीराबाद News.com। मत भूलिएगा हमारा पेज लाइक करना, वजीराबाद TV, वजीराबाद News। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।